एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पर जहाँ हम बातें करते हैं फैशन ब्यूटी लाइफ स्टाइल पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस और फ्रेंड्स हरे कृष्णा और आधे राधे कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और ठीक क्या हूँ मेहनत हो गई डबल तो गुस्सा आ रही है ठीक तो जो है तो छोड़िए गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रही है पता क्या हुआ अचानक से ना मैंने फ़र्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड दोनों साथ में बैठ के शूट किया और आप टाइमिंग्स अंदाज़ा लगा सकते हैं एक एक घंटे एक वीडियो मैंने लगातार शूट की और जब मैंने पार्ट फर्स्ट संडे कमेंट बॉक्स का पब्लिश किया तो मैंने देखा उसमें आवाज ही नहीं आ रही है फिर पूरा उसको डिलीट किया फिर उसकी जगह पार्ट सेकेंड अपलोड कर चुकी हूँ अगर आपने चेक नहीं किया तो कर लीजिएगा अब इसको शूट कर रही हूँ अब इसको पब्लिश करूँगी तो इतनी ना मेहनत लग गई उस मेहनत आ रही है और कुछ नहीं तो चलिए अब हम सेकेंड अपलोड कर चुके हैं पहले नंबर पर दूसरा अपलोड कर चुके हैं दूसरे नंबर पर पहला जो है पार्ट अपलोड करेंगे संडे कमेंट बॉक्स का ये पार्ट भी हमने पिछले वाले संडे कमेंट बॉक्स से लिया है अगर आप लोगों के कोई सवाल है तो आप इसी वीडियो में छोड़ दीजिएगा अगले संडे कमेंट बॉक्स को वो आपके सवाल ले लिए जाएंगे सो so, सबसे पहला कमेंट है होली -मोली का लिख रहे हैं राधे राधे जी जी राधे राधे नेक्स्ट कमेंट है कानव का लिख रहे हैं दीदी घर में शंख बजाना चाहिए या नहीं और किस भगवान की पूजा में बजाना चाहिए शंख देखिए घर की छत पर बजाया जाता है अगर घर के अंदर आपने भगवान शंकर रख रखे हैं तो शंखनाद नहीं करनी चाहिए ध्यान रखिएगा क्योंकि भगवान शिव ने जब जब शंखनाद किए तब तब कोई ना कोई तांडव ही हुआ है तो युद्ध का शंखनाद ही करते हैं वो ज़्यादातर तो कोशिश करके अगर शिवलिंग रख रखिए तो मत करें आप घर की छत पर कर सकते हैं उससे नकारात्मकता खत्म हो जाती है कमरे के अंदर ना करें और घर के अंदर वैसे शंखनाद आंगन में या छत पर ही की जाती है नेक्स्ट कमेंट है राजेश का लिख रहे हैं बुक कलेक्शन पर वीडियो शेयर कर दिए जी जरूर कर दूंगी थोड़ा सा समय दीजिए बिल्कुल कर दूंगी इस समय ना बहुत डिस्टर्ब चल रही हूँ मैं बता नहीं सकती आपको कि मैं इस समय कितना डिस्टर्ब हूँ थोड़ा सा समय निकलता है तो मैं करती हूँ नेक्स्ट कमेंट है चंद्रिका का लिखने दीदी प्लीज़ बताए मेरे पर नाना जी एक टेंटिक थे टेंट टेंटिक क्या होता है आई डोंट नो नहीं जानती कोई पोस्ट है क्या है टेंटिक थे और हमारे घर में समान काली मंदिर करवाया था और सामने काली पूजा में मांस और मदिरा का चाल है तो मैं क्या करूं ये कमेंट में सामायद कमेंट बॉक्स टू में भी किया था मैं समझ नहीं पा रहा हूँ देखिए मैं नहीं समझ पा रही हूँ आपने लिखा क्या है ये पहले तो ये टेंटिक कौन है ये बताइए मुझे क्या है ये टेंटिक मैं फर्स्ट टाइम ही सुन रही हूँ अपनी लाइफ में मैंने सुना नहीं है तो आप अपने सवाल को थोड़ा सा स्पष्टीकरण करके कर लिखिए ताकि मैं आसानी से साधारण तरीके से इसको पढ़ के इसका आपको जवाब दे सकूँ ठीक है नेक्स्ट कमेंट है आदिल का लिख रहे हैं मैम यू नॉट आंसरिंग माई क्वेश्चन मैम हाउ डू परफॉर्मेंट सिवा एट होम देखिए विवाह किसी का भी हो आप भगवान शिव माँ पार्वती का विवाह करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं पिछले वाली शिवरात्रि की वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि उनका विवाह पहले हो चुका है और विवाह बार बार नहीं होता है एक ही बार होता है तो कायदे से तो हमें वर्ष गांठ मनानी चाहिए उनके विवाह की लेकिन फिर भी आप विवाह करवाना चाहते हैं तो आप शिवरात्रि की वीडियो को वॉच कर लीजिए इसका जवाब मैं बहुत बार दे चुकी हूँ पता नहीं आप अपने उसका इनबॉक्स चेक करते हैं कि नहीं करते मुझे आइडिया नहीं है मैं लिख भी इसका जवाब दे चुकी हूँ और पिछले

क्योंकि आप जानते हैं मैं बहुत लोलो चोपो की बात नहीं करती बहुत स्पष्ट तरीके से बात करती हूँ और अगर मैंने बात कर दी तो फिर बहुत लोगों को बुरा भी लग जाएगा एक आग सी लग जाएगी तो ऐसा है ना इस बात को हम लोग रहने ही देते हैं ना करते हैं अगर मेरी एक बात से दस लोगों को बुरा लगता है तो ज़्यादा बेहतर है कि हम उस बात को ना ही करें Next comment है कि नहीं नेक्स्ट कमेंट है डिम्पल का लिख रहे हैं राधे राधे दीदी लड्डू गोपाल जी को समर ड्रेस कब से पहनाएं इस पर वीडियो बना दीजिए जी अपलोड कर चुके हैं वीडियो चेक कर लीजिए नेक्स्ट कमेंट है औशम awesome ट्रिक का राधे राधे दीदी तुलसी जी का भोग कैसे लगाते हैं जैसे हम सुबह में सभी भगवान जी को लगाते हैं ठीक वैसे ही नेक्स्ट कमेंट है नीतू का लिख रही है राधे राधे दीदी आपको नंबर मिल सकता है जी देखिए आज तक मैंने कभी किसी के साथ अपना नंबर शेयर नहीं किया है वो इसलिए क्योंकि मुझे फ़ोन से बात करना बिल्कुल नहीं पसंद है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के जीने का सहारा है और मुझे अगर आप कहें तो उन चीज़ों से सख्त नफरत है तो मुझसे अगर कोई कि फ़ोन पर फ़ोन रख के बात कर ले तो मुझसे नहीं बात हो पाती है सो so, आप चाहें तो मुझसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं मैं जब भी ऑनलाइन आती हूँ आपके सभी सवालों के जवाब जो है वो देती हूँ वहां पर और प्रतिदिन देती हूँ ऐसा कोई नहीं कि नहीं अभी आई तो नहीं दूंगे ऐसा कुछ नहीं है नेक्स्ट कमेंट है रंजीत का लिख रहे हैं राधे राधे दीदी हमारे लड्डू गोपाल एक नंबर के अब हम उनका श्रृंगार नहीं कर पाते क्या आप एक नंबर के लड्डू गोपाल का श्रृंगार करके वीडियो अपलोड करेंगे जी देखिए ऐसा है कि मेरे पास तो है नहीं एक लड्डू एक नंबर के लड्डू लड्डूपाल मैं आस पड़ोस में पता करती हूँ अगर किसी के होते हैं तो मैं करके दिखा दूंगी बहुत ईजी है बहुत आसान है मैं आपको करके दिखा दूंगी डोंट वरी ये मेरा आपसे वादा है थोड़ा सा समय दे मैं कर दूंगी नेक्स्ट कमेंट है नमन का लिख रहे हैं राधे राधे जी राधे राधे नेक्स्ट कमेंट है वीर का लिख रहे हैं राधे राधे आपको भी राधे राधे नेक्स्ट कमेंट है आशा का लिख रहे हैं श्री राधा स्वा, स्वामी जीजू और लाल जी कब आएंगे जी कोई आइडिया नहीं है जब आएंगे आप लोगों के सामने ही आएंगे नेक्स्ट कमेंट पीहू का लिख रही हैं जय श्री कृष्णा राधे राधे नेक्स्ट कमेंट रीना का लिख रहे हैं राधे राधे जी जी दी शंख को किस चीज़ से साफ करें कि वो चमक जाए आप गर्म पानी करिए उसमें एक अल्मोनियम फॉइल का टुकड़ा डाल दीजिए और अपने संख को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए देखिए साफ हो जाएगा कोशिश करके ये मेथड मैं किसी दिन करके दिखा दे तो मेरा शंख थोड़ा सा गंदा हो ना तो मैं आपको करके दिखाती हूँ चूँकि वो गंदा ही नहीं हो रहा है गंदा हो तो मैं आपको करके भी दिखा दूंगी फिलहाल आप इस मेथड से कर सकते हैं पानी को बॉइल करिए उसमें आप एल्मोनियम फॉइल का टुकड़ा डाल दीजिए शंख को छोड़ दीजिए पंद्रह बीस मिनट के लिए और उसके बाद उसे ब्रश से साफ करके आप रख सकते हैं ठीक है ध्यान रहे कि वो ब्रश जो है वो साफ़ हो कहीं गंदे स्थान पर यूज़ ना हुआ हो ध्यान रखिएगा इस बात का कमेंट है परमजीत का लिख रहे हैं सिरिया जी एकादशी कब है दो दिन पहले ही बता दीजिएगा जी, जी मैंने संडे को ही वीडियो सुबह में सबसे पहले एकादशी की ही पब्लिश की है और पहले ही बता देती हूँ नेक्स्ट कमेंट है इन्हीं का है परमजीत का लिख रहे हैं राधे राधे ठीक बात है कि लोगों को मगर नहीं लगाना चाहिए मैं समझ ही नहीं पाई क्या है नेक्स्ट कमेंट है एम आर जय का लिख रहे हैं राधे राधे जी राधे राधे नेक्स्ट कमेंट है कृष्णा का लिख रहे हैं दीदी क्या लड्डू गोपाल का मेकअप कर सकते हो शॉप पर जाकर हाँ जी अगर आपने प्राण प्रतिष्ठा कर रखी है तो आप जाके उनका पेंट वगैरह कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं लेकिन उसके बाद विधि विधान से उनकी प्राण प्रतिष्ठा दोबारा से कर लीजिएगा तो ही कराइएगा ठीक है नेक्स्ट कमेंट है निमिति का निमिति का लिख रही हैं दीदी मैं शिवरात्रि में माँ दुर्गा और शिव जी का सालगिरह मना सकती हूँ देखिए माँ दुर्गा जो है ना वो सभी देवताओं की तेज से उत्पन्न हुई है आप दुर्गा सप्तती पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा वो सभी देवताओं की तेज से उत्पन्न हुई है भगवान शिव का विवाह माँ पार्वती के साथ हुआ है सती के साथ हुआ है तो आप जो है वर्षलाट कोशिश करके माँ पार्वती के साथ ही मनाएं अगर विग्रह नहीं है तो आप आ, मिट्टी से निर्मित कर सकते हैं हल्दी की माँ पार्वती निर्मित कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं नेक्स्ट कमेंट है शीलू का लिख रहे हैं आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है समय पता नहीं क्यों जय श्री कृष्णा आई एम रियली सॉरी मैं क्या बताऊँ पता है वो ना माइक की वजह से हो जा रहा है मैं क्या बताऊँगा मैं तो खुद ही परेशान हूँ आई एम रियली सॉरी आगे से मैं ध्यान रखूँगी और क्या ग्रह हो जाता है गड़बड़ हो गया माइक चले नेक्स्ट कमेंट है दीपक का लिख रहे हैं दी मेरे भैया लड्डू गोपाल आए वो लड्डू गोपाल की लिप थोड़े से ठीक नहीं तो इसकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं देखिए लड्डू गोपाल की लिप ठीक है या उल्टे सीधे बने हैं जैसे भी बहुत फ़र्क नहीं पड़ता हम इंसान हैं और हमारे अंदर लाखों खामियां होती हैं मतलब हम लोगों से ज़्यादा बेहतर तो जानते हैं कल्लुग में जानवरों की स्थिति है और उसके बाद भी ईश्वर हमें स्वीकार करता है और हम अपेक्षा भी रखते हैं कि ईश्वर हमारी सेवा को स्वीकार करे तो अगर एक छोटी सी कमी है तो क्या ही फ़र्क पड़ता है हम उन्हें ईश्वर तो मानते हैं ना हृदय से पूछते तो है ना तो दिल में उनके लिए प्यार होना चाहिए और इससे ज़्यादा कुछ नहीं नेक्स्ट कमेंट है सुशील का लिख रहे हैं दी आज आपने रिंग्स क्यों नहीं दी दीदी आपकी रिंग बहुत ब्यूटीफुल है आपकी फिंगर्स पे तो और भी अच्छी लगती है आज की वीडियो देखा तो कुछ मिसिंग था फिर बड़े मैं गौर किया तो फिंगर्स में रिंग नहीं थी जी मैं रिंग पहनती हूँ और वीडियो के समय ही उतारती हूँ हमेशा पहने रहती हूँ इसलिए बहुत सारे लोग कमेंट आता है पता नहीं क्यों पहने रहती हैं कितना सो ऑफ करती हैं ऐसी रिंग पहनी रहती है जैसे हमारे पास रिंग नहीं है मैं किसको क्या समझाऊँ कि भैया सबके पास सब कुछ होता है ऐसा थोड़ी किसी पास कुछ नहीं है लेकिन अब आमतौर पर लोग सामने वाले की समस्या नहीं समझते ना कोई मेरी समस्या नहीं समझ रहा है तो मैं क्या करूँ उससे अच्छा ज्यादा बेहतर है मैं उसे उतार के वीडियो को समय रख देती हूँ वैसे ऑल टाइम पहन के रहती हूँ नेक्स्ट कमेंट है सुरेश का लिख रहे हैं राधे राधे जी राधे राधे नेक्स्ट कमेंट है जितेंद्र का लिख रहे हैं राधे राधे दीदी मेरे इस कमेंट का रिप्लाई नेक्स्ट बॉक्स में जरूर दीजिएगा प्लीज दीदी मैं अपने घर काले के केले का पेड़ लगा सक रही हूँ बट मुझे पता चला कि उस पेड़ में फल नहीं होता तो मैं न्यू लाना चाहती हूँ क्यों लाना चाहती है न्यू केले में तो वैसे भी फल नहीं होता है फल केले में लगता है केले में नहीं लगता जो केले का पौधा होता है उसमें फल नहीं आता है केले के पौधे में फल आता है फिर भी आप लाना चाहते हैं तो शुक्रवार है शनिवार है बृहस्पति वाले दिन छोड़ के आप किसी भी दिन ला सकते हैं नेक्स्ट कमेंट है पुष्प गोस्वामी का पुष्पा गोस्वामी का लिख रहे हैं राधे राधे जी राधे राधे नेक्स्ट कमेंट है मीता का लिख रहे हैं लक्ष्मी पूजा में घंटी नहीं बजाया जाता है बंगाल में आपने जो रिप्लाई किया है वो बंगाल का चलन का हिसाब से गलत है हो बंगाली हैं और आप उल्लू को मना कीजिए आपको पाप लगेगा जी बंगाल का चलन हो सकता है ये उत्तरी भारत जरूरी नहीं है कि जो पूजा बंगाल में होती हो वो दिल्ली में होती हो वो उत्तर प्रदेश में होती हो वो मध्य प्रदेश में होती हो एक ही भगवान की पूजा साउथ इंडियन में अलग तरीके से होती है उत्तरी भारत पश्चिमी भारत दक्षिणी भारत और पूर्वी भारत यहाँ सब अलग अलग तरीके से होती है अब आप ये तो नहीं कह सकते कि हमारे घर का नियम है तो आप भी मान लीजिए ये कैसे कह सकते हैं आप है कि नहीं आप अपने घर के नियम ठीक कर सकते हैं दूसरे के घर के नहीं कर सकते तो पाप लगेगा कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग से सोचिए कि आप जो कह रहे हैं वो सही है मैं किसी को कैसे कह सकती हूँ कि आप ये नहीं करिए आप उत्तर प्रदेश में अगर ये बात देखेंगे तो नहीं है दक्षिण भारत में भी नहीं है मध्य भारत में भी नहीं है आप बंगाल का चलन है तो बंगाल के हिसाब से है उत्तर प्रदेश का कोई चलन है तो वो उत्तर प्रदेश के हिसाब से है दक्षिण भारत का कोई चलन है तो वो दक्षिण भारत के हिसाब से है तो इस तरीके की स्थिति है इसीलिए हम किसी को किसी भी प्रकार की बंदिश नहीं लगा सकते आप घंटी नहीं बजाते मत बजाइए मैंने कभी कहा क्या बजाइए है कि नहीं लेकिन इस तरीके से मत कहिए अच्छा नहीं लगता थोड़ी सी कड़वी शब्दावली सामने वाले को कष्ट दे सकती है और अगर आप भगवान से जुड़े हैं तो हमें अपनी शब्दावली को बेवजह जो है वो खराब नहीं करना चाहिए ये मेरी अपनी मान्यता है नेक्स्ट कमेंट है पवन का लिख रहे हैं दीदी दी, मेरी मॉम डेड नहीं मेरी उम्र सतारह इयर्स है आपकी वीडियो देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं जी जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और बेहद दुख हुआ ये सुनकर क्या आपके मम्मी पापा नहीं कोई बात नहीं आप ईश्वर का हाथ थामे रहिए वो सबकी कमी पूरी कर देते हैं किसी की कमी नहीं छोड़ते वो सिर्फ़ उनका हाथ थामे रहिए और ईश्वर आपको हिम्मत दे सहारा दे आप अपने जीवन में खूब आगे बढ़ें ठीक है नेक्स्ट कमेंट है ऋषभ का लिख रहे हैं दीदी आप दो मेरे भी सपने में आए थे जी हाँ ये मैं बहुत बार सुनती हूँ क्या बताऊँ आप लोग दिन भर सोचते रहते हैं मेरे बारे में ये मेरी किस्मत है और इस किस्मत के लिए ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद नेक्स्ट कमेंट है कविता का लिख रही दीदी थैंक यू सो मच आपने मेरे सभी कमेंट का जवाब दिया जी ये मेरी जिम्मेदारी है थैंक यू की आवश्यकता नहीं है नेक्स्ट कमेंट है प्रज्ञा का लिख रही आई एम सो मिसिंग योर स्ट्रॉन्ग वॉइस एंड लवली वीडियोस दी थैंक यू सो मच बस थोड़ा सा ना माइक की वजह से ही हो गया मैं आगे से ध्यान रखूंगी नेक्स्ट कमेंट है लड्डू गोपाल लड्डू गोपाल का मतलब आईडी है इनकी लड्डू गोपाल के नाम से लिख रहे हैं दीदी राधे राधे कैसे हो आप मैम मैम मेरा क्वेश्चन है ये आपके चैतन्य महाप्रभु कितने इंच के हैं जी अगर चौकी से लेंगे ना तो सात इंच के हैं और चौकी से नहीं लेंगे तो पाँच इंच के हैं ठीक है नेक्स्ट कमेंट है राधे राधे कान्हा का राधे रे कृष्णा दीदी राधे कृष्णा नेक्स्ट कमेंट है शोभा का लिख रही हैं मार्वल का मंदिर के बारे में जरूर बताएं किस चीज का मंदिर अच्छा रहता है या ये भी बताएं लकड़ी का मंदिर घर में सर्वोत्तम और सबसे बढ़िया होता है नेक्स्ट कमेंट है शांतनु का लिख रहे हैं दीदी आप पूजा कीजिए और बस प्रभु के चरणों में अलावा कहीं नहीं ध्यान मत दीजिए जी कोशिश यही करती हूँ लेकिन मानव जाति की बहुत सारी कमियाँ होती हैं ना मैं भी तो मानव ही हूँ क्या करूँ हो जाता है सॉरी मैं आगे से ध्यान रखूंगी <laughs> नेक्स्ट कमेंट है युगल का लिख, युगल सरकार श्रृंगार का लिख रहे दीदी जी ये बताइए कि राधा जी की सर पर तेजकरण कैसे लगाए क्योंकि मैं जब तेजकरण लगाता हूँ तो बार बार गिर जाता है जी आप तेजकरण में ऑलपिन फंसा कर उनके बालों में धीरे से फंसाएं ध्यान रखिए कि उनके सर में चोट ना लगे ऑल पिन में आप ऑल पिन फंसाएं तेज कलर में तभी लग पाएगा वो ऐसे नहीं लगेगा क्योंकि उसमें वेट होता है ना तो गिर जाएगा नेक्स्ट कमेंट है रुद्र रुद्र यूनिक का लिख रहे हैं दीदी लड्डू बाबू का मॉर्निंग रूटीन शेयर कर दो अगर आपको अच्छा लगे तो जी बहुत अच्छा लगा जानकर बहुत जल्दी करती हूँ नेक्स्ट कमेंट है सूर्यकांत का लिख रहे हैं दीदी शिवरात्रि पर अखंड जो जला सकते हैं जो कि 24 घंटे तक रहेगा हाँ जी बिल्कुल जला सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट कमेंट है नीतू का लिख रही है राधे राधे जी शंख भी विसर्जन करना होता है क्या अखंडित होने पर प्लीज बताइए हाँ जी अगर खंडित हुआ है तो विसर्जन करना पड़ेगा नेक्स्ट कमेंट है, है कांति का लिख रही है राधे राधे दी मंत्र जप सिर्फ माला से ही हो सकता है बिना माला के हम मंत्र जप नहीं कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते मानसिक पूजा तो सबसे अच्छी पूजा होती है बिल्कुल कर सकते हैं नेक्स्ट कमेंट है द एक्सपोलर का राधे राधे मैम राधा मेरे घर राधा कृष्ण जी आ गए हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है और उनके आ जाने से मेरे घर में रौनक और ज्यादा बढ़ गई जी ये तो ईश्वर की मेहरबानी होती है और आपको बहुत सारी बधाई युगल सरकार के आने के उपलक्ष्य में नेक्स्ट कमेंट है मीनू का लिख रही है राधे राधे मैम प्लीज बताएं कि अगर हम एक दो दिन या एक वीक के लिए कहीं जा रहे हैं तो क्या लड्डू गोपाल को साथ ले जाना जरूरी है या हम उनके घर पर रख दें अगर घर पर रहें तो लड्डूगोपाल जी को छोड़कर जाएं तो भोग आदि की क्या करें यह वीडियो डिटेल में अपलोड है मैं कोशिश करके कम्युनिटी टैब में शेयर कर दूंगी नहीं तो आप चेकआउट कर लीजिएगा यह वीडियो पूरा डिटेल में अपलोड है और बहुत जरूर नहीं के लिए हम उन्हें लेकर ही जाएं अगर ले जाने वाली व्यवस्था है तो लेकर जाइए लगता है ले जाने वाली व्यवस्था नहीं है तो फिर आप उन्हें छोड़कर भी जा सकते हैं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि नहीं ये होना ही चाहिए नेक्स्ट कमेंट है आदित्य का लिख रहे हैं चौदह छब्बीस पर बेस्ट एक्सप्लेन दीदी थैंक यू सो मच नेक्स्ट कमेंट है कविता का लिख रहे हैं राधे राधे नेक्स्ट कमेंट है जितेन ब्लॉक का दीदी राधे कृष्ण जी को क्या भोग लगाएं इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए वीडियो अपलोड है इस पर नेक्स्ट कमेंट है भक्ति मार्गदर्शन का जयमा काली जयमा काली नेक्स्ट कमेंट है राजेश का हवन में यूज़ होने वाली औषधि पर वीडियो बनाइए जी बस नवरात्र आ रही हैं ये सभी चीज़ें जो रह गई हैं वो आपको प्राप्त हो जाएंगी आप निश्चिंत रहिए नेक्स्ट कमेंट है टीना का लिख रहे दी आपकी माँ दुर्गा का प्राइस क्या आई डोंट नो मुझे बिल्कुल याद नहीं बहुत है बहुत पुरानी है तो मेरे को बिल्कुल दिमाग में नहीं है कि मैंने कितनी की ली थी चूंकि हस्बैंड लेन देन करते तो और ही नहीं याद होता है जब अपने हाथों से कोई चीज़ देती हूँ तो याद रहता है ऐसे तो मैं भूल जाती हूँ नेक्स्ट कमेंट है मूवी का लिख रहे हैं राधे राधे जी राधे राधे नेक्स्ट कमेंट है पंकज का लिख रहे हैं मैम घर में मैम अगर घर में ड्यूटी जाने वाले को लंच मॉर्निंग में ही बनाना बन जाए तो लड्डू गोपाल को दोपहर का खाना मैं क्या रहे आप सुबह ही उनकी थाली निकाल के अलग रख सकते हैं नहीं तो आप थोड़ा सा आटा बचा के रख लीजिए अलग से दो पराठे सेक दीजिए नहीं तो आप उन्हें दोपहर के खाने में किशमिश काजू बादाम फल फलाई दही ये सब चीज़ें दे सकते हैं बहुत ज़रूरी नहीं है बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि तो अब उनके दोपहर के भोग का क्या करेंगे या क्या होगा आप चाहे तो थोड़ा सा भोग जो बना है सुबह खाना उसी में से निकाल के उनकी थाली अलग ढक कर रख सकते हैं नेक्स्ट कमेंट है अनुपमा का लिख रहे हैं राधे राधे जी राधे राधे नेक्स्ट कमेंट है प्रमोद कुमार का लिख रहे हैं राधे राधे दीदी आप कैसे हो लड्डू गोपाल कैसे हैं मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब आपके नए उगल सरकार आए तो प्लीज़ राधा कृष्ण की मराठी ड्रेस पहनाइएगा प्लीज़ जी इसका बहुत कमेंट आ रहा है कोशिश करूँगी मैं आती तो नहीं है लेकिन चूंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती तो मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट कमेंट है शमीर का लिख रहे हैं क्या माता रानी को बीच चरण कमल में विराजमान कर सकते हैं देखिए चरण कमल क्या होते हैं मैंने बताया भी था ये बात चरण कमल होते हैं वो जो माँ के पैर है जिस पर हम बिठाते हैं ना जैसे राधा कृष्ण जी को हम बिठाते हैं तो उसे हम लोग चरण कमल कहने लगे इनफैक्ट वो चरण कमल नहीं है वो बेस है तो आप किसी भी बेस पर बिठा सकते हैं कोई समस्या जो है वो नहीं है नेक्स्ट कमेंट है अंजना का लिखनी दीदी क्या तुलसी जी को रोज सिंदूर चढ़ा सकते नहीं तुलसी मैया महासती है प्रतिदिन सिंदूर उन्हें नहीं चढ़ता है नेक्स्ट कमेंट है विशाल का राधे राधे दीदी आप बहुत अच्छी हो थैंक यू सो मच क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं इसलिए मैं भी आपको अच्छी लगती हूँ नेक्स्ट कमेंट है मुस्कान का दीदी लड्डू गोपाल को आप विंटर ड्रेस धूप में कैसे रख सकते हैं ट्रिक टेरिस पर जी इसी तरीके की चेयर है इनकी उसी चेयर पर बैठने वो चेयर ना किसी ने उसकी समय वो रेनी वीडियो में भी देखी वो उसी पर बैठा के मैंने बाहर नहलाती भी हूँ कभी कभी बरसात के पानी से तो उसमें आप देख सकते हैं कोई ऐसा विशेष नहीं है कि नहीं है ऐसे ऐसे हाँ ये है कि हमसे ऊँचे स्थान पर ही बैठते हैं जब ये कहीं बैठते हैं तो हम लोग कोशिश करके नीचे चटाई वगैरह बिछा के बैठते हैं इनके बराबर से कुर्सी डाल के नहीं बैठते वो मुझे नहीं पसंद है और कहीं ना उस तरीके से बैठने से मुझे लगता है कि मैं इनका अपमान कर रही हूँ तो इस बात का ध्यान रखती हूँ सो नेक्स्ट कमेंट है दीदी क्या मैं जगन्नाथ जी को चौबीस इंच अठारह सोलह इंच की मूर्ति रख सकते हैं जी बिल्कुल रख सकते हैं आपको अगर देखिए अगर आपको कोई चीज़ नुकसान नहीं करे तो आप कितनी बड़ी रख सकते हैं दिक्कत तब है जब कोई चीज़ आपको नुकसान करे तो पहले रख के देखें और तब पता चलेगा है कि नहीं नेक्स्ट कमेंट है मोनू का लिख रहे हैं राधे राधे दीदी मेरे कमेंट का रिप्लाई देने के लिए बहुत बिग वाला थैंक यू जी थैंक यू की कोई बात नहीं है ये मेरी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है नेक्स्ट कमेंट है मैम पूजा करते टाइम पैरों में हल्दी क्यों लगाते हैं मेरे नेगर्स साउथ इंडियन है देखा यही चीज़ है ना चूँकि वो साउथ इंडियन है सफ़ेद रंग की एड़ी को रखकर हल्दी नहीं लग, पूजा नहीं की जाती है अगर मैं आपको बताऊं वैसे तो जानते हैं आजकल लोग इतने मॉडर्न हो गए तो किसी को समझ में आता नहीं हो कुछ कहो तो उल्टा ही लड़ने को चले आते हैं हकीकत चीज़ तो यह है कि जब हम कभी कुछ विशेष त्योहारों पे पूजा करते हैं तो घर की महिला को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और पैरों में आलता लगाए बिना सफ़ेद एड़ी लेकर पूजा नहीं करते हैं सफ़ेद एड़ी दो ही लोगों की होती है या तो बच्चियों की या फिर वो जिनकी पति स्वर्गवासी हो जाते हैं क्योंकि उसके बाद वो आलता नहीं लगाती इसलिए हर पूजा में आलता लगाते हैं और मैं आपको बताऊं पुराने जमाने में इसी प्रकार से जब घर में सत्यनारायण की कथा होती तो घर के पुरुषों को भी आलता लगता था और उसी से पूरे गांव में पता चल जाता था कि इनके घर में सत्यनारायण की कथा हुई है और आपने जिसको नहीं बुलाया उसको बुरा लग जाता जा तो अच्छा हम्म ओ सत्यनारायण की कथा कर ली हमें नहीं बुलाया ठीक है कोई बात नहीं हम भी करेंगे तो बताएंगे हम भी नहीं बुलाएंगे तो जानते हैं ऐसा सा है इसलिए लगाते हैं क्योंकि सफेद एड़ी से पूजा नहीं की जाती है कोशिश करूँगी इस पर डिटेल में वीडियो बना दो क्योंकि साउथ इंडियन तरफ का जो पूजा का चलन है वो बहुत दूसरा है और बहुत मेहनत के साथ करते हैं ऐसा नहीं है लक्ष्मी जी की विशेष पूजाएं वहाँ होती हैं तो मैं कोशिश करूंगी इस पर डिटेल में वीडियो बना दूँ फिलहाल मैंने आपको थोड़ा बहुत तो समझाई दिया होगा आशा करती हूँ मैं ऐसी नेक्स्ट कमेंट है निहाल का दीदी हमको बाल हमको बाल लगता है हमसे कोई लगा कहता है कि पूजा कर करके पागल हो गए हो कहने दीजिए कहने दीजिए भैया लोग बहुत कुछ कहते हैं अभी आप जीवित है तो लोग कहेंगे देखो कितना पापी है जीरा है मर गए तो कहेंगे देखो कितना पापी था मर गया अब बच गए तो कहेंगे देखो इतना पापी था इसको ईश्वर ने उठाया भी नहीं है तो लोगों की बातों पर ना ध्यान दें नेक्स्ट कमेंट है प्राची का राधे राधे हम अच्छे हैं आप बताएं जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप बताएं नेक्स्ट कमेंट है मेघा का लिख रही है राधे राधे दीदी मैंने माघ स्नान शुरू किया था लेकिन छ दिन बाद हमें बरसाना मथुरा वृंदावन दर्शन के लिए जाना पड़ा साथ में लड्डू गोपाल जी थे फिर भी नियम टूट गया अब क्या करूँ कोई बात नहीं जी टूट गया तो टूट गया अब अगले साल देखिएगा नेक्स्ट कमेंट है नम्रता का हर चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता ना इसलिए नेक्स्ट uh, कमेंट है नम्रता का थैंक यू दीदी नेक्स्ट कमेंट है ललिता का राधे -दीदी. का। राधे दीदी नेक्स्ट कमेंट है ज्योति का लिख रही है राधे राधे नेक्स्ट कमेंट है मुस्कान का मेरे प्रेगनेंसी में बाल गोपाल की सेवा कैसे करें इस पर मैं वीडियो बना दूंगी नेक्स्ट कमेंट है कुलविंदर का राधे राधे हरे कृष्णा हैप्पी सिल्प डे ये डे क्या है अब जो भी मुझे नहीं पता आपको भी हैप्पी सिल्प डे नेक्स्ट कमेंट है दीपक का जय श्री कृष्णा राधे राधे नेक्स्ट कमेंट है नीलम का दी पूजा में सिर्फ पीतल के बर्तन यूज़ करते हैं नहीं जी ऐसा नहीं है तामा सोना चांदी के भी यूज़ कर सकते हैं प्लास्टिक का नहीं करते हैं कोशिश करके लोहे का भी नहीं करते हैं नेक्स्ट कमेंट है एक के का एक के अवस्थी का लिख रहे हैं अगर लड्डू गोपाल को सुलाना भूल गए हों तो क्या करें कोई नहीं तो अगले दिन सुनाए <laughs> अगर भूल ही गए देखिए ऐसा तो है नहीं कि आपने जानबूझ के नहीं सुलाया आप भूल गए हैं तो अगले दिन सुलाएँ है नेक्स्ट कमेंट जितेन का हैं जितेन का नहीं जेते का है लिख रहे हैं राधे राधे दीदी जी राधे राधे नेक्स्ट कमेंट है सिंह धाका लिख रहे हैं दीदी मुझे आपको एक बार पूछना था कि मैं घर में तामे के श्रीयंत्र पूजा करती हूँ मैं जो पूरी जगन्नाथ टेम्पल गया था तो मुझे एक ब्राह्मण ने गोल्डन कलर के श्री यंत्र दिया था तो मैं उसको पूजा कर सकती हूँ मैं नहीं जानती कि वो यंत्र किस धातु का है आप ऐसा करिए एक बार उसमें चुम्बक लगा के देख लीजिए अगर वो लोहे का नहीं है तो आप कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं नेक्स्ट कमेंट है नवीता का लिख रही है थैंक यू सो मच जी राधे राधे जी राधे राधे नेक्स्ट कमेंट है मैं और मेरे भगवान देवकी नंदन आपने अच्छा कहा विचारों का सही होना चाहिए हम सब से प्रेम से बोले यही अच्छा है और क्या लेकर दुनिया से जाना है सब कुछ दुआ आशीर्वाद रहे जी बिल्कुल सही कहा आपने हम कुछ नहीं लेके जाएंगे बस ये कि हमारे कर्म अच्छे जाने चाहिए नहीं तो लोग जाने के बाद भी गालियाँ देते हैं कि नहीं तो कर्म अच्छे होने चाहिए बकाया के तो खर सब ठीक है बकाया के तो कभी कभी आपके कर्म भी अच्छे होते हैं ना तो लोगों की स्थिति तब भी आप पे आरोप लगा देते हैं लेकिन खुद की नज़रों में नहीं गिनना चाहिए व्यक्ति को है कि नहीं नेक्स्ट कमेंट है शमीट का लिख रही है दीदी क्या राधा जी और कृष्ण जी की शादी हुई थी मैंने जैसे कहा कि अगर मैं इस पर बोलूंगी तो आग लग जाएगी इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ जाने दीजिए खत्म करिए इसको नेक्स्ट कमेंट है कामनी का लिख रही है नमस्ते जी नमस्ते नेक्स्ट कमेंट है सुभाष का दीदी -दी, हम लोग ट्रेन से बाहर जा रहे हैं एकादशी का व्रत रास्ते में पड़ेगा तो हम क्या करें जी व्रत रखें क्या करें पढ़ने दीजिए देखिए ऐसा है ना यही तो सब लीलाएँ होती है ईश्वर की नेक्स्ट कमेंट है मैं और भगवान देवकी नंदन राधे राधे नेक्स्ट कमेंट है सुमिता का दो हज़ार नौ दी घर में कुमकुम हल्दी का कैसे बनाए कुमकुम हल्दी का कैसे बनाए क्या मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या बनाना चाह रहे हैं आप उनको हल्दी का पूरा लिखिए तो मैं शायद उसको समझ पाऊँ नेक्स्ट कमेंट है पूजा का मैम आपने मेरे मैं बताया आपकी स्किन बहुत अच्छी है आप क्या करती हो मेरी स्किन मैं तो कोई चेहरा दिखाई नहीं तो कैसे पता आ, बहुत कुछ नहीं करती एक सीधा सा टॉपिक बताऊँ ये बहुत साधारण सी चीज़ है लेकिन आपको ये बहुत काम की चीज़ है क्या आप सर्दी हो चाहे गर्मी हो गर्म पानी जरूर पिए आपकी स्किन को बालों को आपके हेल्दी स्किन का राज गर्म पानी हो सकता है साथ ही साथ अगर आप इसकी पीने की आदत डालते हैं तो एक समय आएगा कि आपको कभी भी जीवन में जोड़ों का दर्द तो नहीं होगा सबसे पहले और गर्म पानी पीने से आपका पेट साफ़ रहता है जिससे आपकी स्किन ऑलरेडी बहुत अच्छी हो जाती है ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है इसके साथ साथ अर्जुन के छाल की चाय भी पी सकते हैं ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है और बकाएगी तो देखिए जो फेस फेस पैक लगाती हूँ तो वो तो आपके साथ शेयर करती ही रहती हूँ एक दो किए भी हैं आगे कोशिश करूँगी कर दूँ नेक्स्ट कमेंट है अनुराग का जय श्री कृष्णा राधे राधे नेक्स्ट कमेंट है सौरभ का मेरे पास स्टील के बर्तन लड्डू गोपाल जी को है क्या हम तांबे के बर्तन ले सकते हैं हाँ जी ले सकते हैं अगर लेना चाहें या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए देखिए ऐसा कुछ नहीं है अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं कोई समस्या नहीं है नेक्स्ट कमेंट है संदीप का गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग नेक्स्ट कमेंट है शिड का राधे राधे नेक्स्ट कमेंट है सौरभ का मेरे पास शिव जी शिव जी पत्थर के लेकिन उसमें पेंट क्यों है आँख और पेंट हुआ था लेकिन अब वो छूट चुका है तो क्या हमें उसका विसर्जन करना चाहिए नहीं जी विसर्जन नहीं करना है पेंट छूट गया तो छूट गया क्या फर्क पड़ता है पेंट तो आज नहीं तो कल छूट ही जाता नेक्स्ट कमेंट है शमित का गणेश जयंती की शुभकामनाएं आपको भी एक कमेंट है प्रीतम का लिख रहे हैं चौदह सैंतीस एकदम सही बात बोली आपने एंड आपको चैनल समय शायद मोनिटाइजेशन से रिलेटेड कुछ समस्या नहीं जी मोनिटाइजेशन से लेकर कोई और समस्या नहीं कुछ मेंटली दबाव है मोनिटाइजेशन से लेके कोई प्रॉब्लम कोई इशू है ही नहीं आपने गलत पकड़ लिया मुझे लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है नेक्स्ट कमेंट है प्रीतम का मेरे साथ भी हुआ है कुछ हुआ है पहले पाँच छः दिन मैं दीदी क्या फेस फुल देखा अपने सपने में <laughs> जी थैंक यू सो मच नेक्स्ट कमेंट है मेरे सावरे गुड मॉर्निंग दीदी जी गुड मॉर्निंग नेक्स्ट कमेंट है चिन्मय पटनायक का गुप्त नवरात्र के चतुर्थी दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी नेक्स्ट कमेंट है अजय जगन आ, मी पूछा पूछा बारा ये आईडी का नाम है लिख रहे हैं दीदी जगन्नाथ जी की पूजा कैसे करें वीडियो बना दूंगी नेक्स्ट कमेंट है उत्कर्ष का गुड मॉर्निंग आंटी गुड मॉर्निंग बेटा नेक्स्ट कमेंट है सुमित का जय श्री विताल जय श्री विताल विताल कौन है नेक्स्ट कमेंट है राज हेल्थ केयर का दी राधे राधे जी राधे राधे नेक्स्ट कमेंट है शिवांगी का दीदी गरुण पुराण भी वीडियो बना दीजिए जी कोशिश करके बना दूंगी नेक्स्ट कमेंट इंडियन यूट्यूबर खुशी का लिख रहे हैं जय माता दी आपने मेरी दुर्गा की सेवा बताएं जी कोशिश करूंगी माँ दुर्गा की सेवा जल्दी शेयर करूं नेक्स्ट कमेंट है रुद्र रुद्रवीर का लिख रहे हैं मेरी गुरु माँ की तस्वीर है उनको कहाँ स्थापित करें सकते हैं और कैसे पूजा करें देखिए जैसे गुरु जो है ना वो मान लीजिए भगवान के समान ही होता तो जैसे हम अपनी ईश्वर की पूजा करते हैं वैसे उनकी कहें दक्षिण की दिशा छोड़ के कहीं लगा सकते हैं बहुत समस्या नहीं है नेक्स्ट कमेंट है कन्हैया का लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग नेक्स्ट कमेंट है वैष्णवी का दीदी प्लीज़ मेक अ वीडियो नाइट रूटीन ऑफ लड्डू गोपाल कोशिश करती हो थोड़ा सा समय दें नेक्स्ट कमेंट है दिव्या का राधे 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 जी नेक्स्ट कमेंट है निकी का आप जल्दी से ठीक हो जाइए आपको वो स्ट्रांग आवाज़ जल्दी से सुनने को मिले थैंक यू सो मच मैं बिल्कुल ठीक हूँ बस थोड़ा सा चल रहा था भी फिलहाल ठीक है मेंटली ठीक हुई तो माइक गड़बड़ हो गया तो ये एक चीज़ हो गई और तो खैर सब ठीक है नेक्स्ट कमेंट है दीपा का लिख रही है राधे राधे जी राधे राधे नेक्स्ट कमेंट है दिव्या का आजकल आपकी वॉइस में साउंड बहुत कम आता है जी माइक की वजह से हो गई है माइक बदमाश निकल गया मैं क्या करूँ इसका गला दबा बाँ क्या यही बदमाश निकला इसकी वजह से बहुत मेहनत हो गई नेक्स्ट कमेंट है रुद्र का राधे राधे जी राधे राधे नेक्स्ट कमेंट है निगम का नीमी का का लिख रही है है दी क्या होता है? गंगा मती, गंगा मती, किसी का नाम होता है क्या मुझे आइडिया नहीं इसके बारे में क्या होता है या आप डिटेल में लिखिएगा तो मैं बता दूंगी नेक्स्ट कमेंट है त्रुपति का लिख रहे हेलो दीदी राधा कृष्ण कैसे हैं आप दी मेरे लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर पाई तो क्या मैं पूजा नहीं कर सकती प्लीज ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल कर सकते हैं नेक्स्ट कमेंट है राधे का लिख रहे हैं हेलो नेक्स्ट कमेंट है इंडियन यूट्यूबर का नेक्स्ट कमेंट है उज्जवल का लिख रहे हैं हेलो दीदी नेक्स्ट कमेंट है दीपक का दीदी आप माँ दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठा का वीडियो अपलोड है नेक्स्ट कमेंट है राहुल देव का लिख रहे हैं राधे राधे जी राधे राधे नेक्स्ट कमेंट है अनुज का दी गुड मॉर्निंग राधे राधे जी गुड मॉर्निंग नेक्स्ट कमेंट है पविक का लिख रहे हैं राधे राधे जी राधे राधे नेक्स्ट कमेंट है रिया एंड क्रिएटर्स का राधे राधे जी राधे राधे नेक्स्ट कमेंट है शिव क्रिएटर्स का गुड मॉर्निंग जी जी गुड मॉर्निंग नेक्स्ट कमेंट है पीयूष टीवी का वाइट टी का लिख रहे हैं राधे राधे जी राधे राधे नेक्स्ट कमेंट है वैष्णवी का हेलो दी राधे राधे जी राधे राधे नेक्स्ट कमेंट है तिरुपति का हाय जी हेलो नेक्स्ट कमेंट है गौरी का लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग जी राधे राधे तो जो हमारे संडे कमेंट बॉक्स का पार्ट फर्स्ट है वो अब कंप्लीट हुआ है और ये आएगा नंबर दो पर क्योंकि दिक्कत हो गई थी तो पहले वाले पे तो आना थोड़ा सा मुश्किल ही था और आ ही नहीं पाया अब जो है आएगा तो अगर आपने सेकंड वाला चेक नहीं किया तो आप उसे चेक कर लीजिएगा क्योंकि वो पहले नंबर पर आ गया अब दूसरे नंबर पर पहला वाला आएगा <laughs> तो इस बार ना काउंटिंग चेंज हो गई तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें आप लोग लाइक नहीं करते भूल जाते हैं क्या वीडियो की भावनाओं में बह के बोला मत करें भाई लाइक किया करें मेहनत लगती है है कि नहीं और लड्डू बाबू तो इनके दर्शन तो आप कर ही सकते हैं इतनी जैसे बैठे हुए हैं हमारे साथ मैंने कहा आप भी बैठिए बहुत मेहनत हो रही है आप बैठिए जब तक आप बैठेंगे नहीं तब तक ना वो मोटिवेशन नहीं आता इनको देख देख के आता रहता है थोड़ा सा तो बहुत थक गई थी मैं अब मतलब इनफैक्ट ये वीडियो ना डेढ़ घंटे का हो गया तीस मिनट का ये इसके पहले पैंतीस मिनट का कर चुकी थी वो डिलीट कर दिया फिर पार्ट सेकेंड होगा बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई आज तो तो दोस्तों मैं मिलती हूँ आपसे विद न्यू वीडियो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर कर दें वीडियो को आप जो है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ तब तक ये हरे कृष्णा विष्णा राधे राधे बाय बाय दोस्तों बाय बाय